दोस्तों बागेश्वर धाम मंदिर से एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है। दोस्तों बागेश्वर धाम मंदिर में से पकड़ा गया था अजगर का सांप। आखिर दोस्तों अजगर वहां पर पहुंचा कैसे और इस अजगर को सबसे पहले किसने देखा था, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस सांप को पकड़ा गया था और आखिर इस सांप को पकड़ा किसने था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप भी बागेश्वर धाम जी महाराज को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसके साथ ही वीडियो पर लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको ये बता दें, बागेश्वर धाम जी महाराज के मंदिर में उस अजगर सांप को वहाँ के पुजारी जी ने देखा था। दोस्तों मंदिर के पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के लिए सबसे पहले आते हैं, तो जैसे ही उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो उन्हें एक छोटी सी पूंछ दिखाई दी। तभी तुरंत वहाँ के पुजारी जी ने वहाँ के सेवादार को बुलाया और देखा कि आखिर यहाँ पर है क्या। और जैसे ही वहाँ से इस मूर्ति को हटाया गया तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा अजगर का सांप बैठा है, और इसे देखकर शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। तभी तूने तो वहाँ पर सांप को रेस्क्यू करने वालों को बुलाया गया, और इस वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे महाराज जी ने उनका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने वहाँ आकर एक बेजुबान की जान बचाई थी। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पहुँच गए थे। उन्होंने भी वहाँ पर उस सांप को देखा और इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि वे उस सांप को मरवा भी सकते थे। तभी बागेश्वर धाम जी सरकार ने कहा इस सांप को मरना नहीं चाहिए और इस सांप को रेस्क्यू टीम वालों को सौंप दिया जाए, जिससे ये सांप अपने घर या फिर जंगल में चला जाए। तभी रेस्क्यू करने वाले लोगों ने सांप को पकड़ा और अपने साथ ले गए। और दोस्तों यही खबर आप तक पहुँचानी थी। ऐसे ही और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।